हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मधुकल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रैंकियोस्टोमेटा के बारे में। ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमेटा, एम्फियोक्सिस लैंसलेट, ये सारे इसी के नाम हैं। हिंदी में इसे हम ब्रैंकियोस्टोमेटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये बीएससी थर्ड ईयर में आपके कॉर्डेटा के अंदर आता है। तो ये जो डायग्राम या फिर हम कहें ये जो पिक्चर हमें दिखाई दे रही है, ये ब्रैंकियोस्टोमेटा या फिर एम्फियोक्सिस या फिर लैंसलेट की है। अब हम इसके नामों की बात करते हैं कि किस तरह से इसका नाम पड़ा। तो ये जो जंतु है या फिर हम कहें ये एनिमल है, ये प्रारूपिक रूप से कॉर्डेटा का जंतु है। ठीक है, इसकी जो संरचना है, जो डायग्राम या फिर हम कहें इसकी जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही सरल प्रकार की होती है। ठीक है, लेकिन इसमें जो लक्षण होते हैं, यानी कि इसकी जो लाइफ साइकिल है, उस कम्प्लीट लाइफ साइकिल में इसके में चाहे इसकी लार्वा अवस्था हो, चाहे इसकी वयस्क अवस्था हो, उसमें मतलब सभी जगह कॉर्डेट्स के जो लक्षण हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम इसकी बात करें तो ये मुक्त रूप से तैरता रहता है, लेकिन यदि हम इसके स्थान की बात करें तो ये बिल बनाकर रहने वाला प्राणी है। ठीक है, एक साइंटिस्ट आए 1836 के अंदर। कब? 1836 के अंदर। 1836 के अंदर एक साइंटिस्ट आए, विलियम यारेल। विलियम यारेल ने इसको एम्फीऑक्सस नाम दिया। सबसे पहले एम्फीऑक्सस का मतलब क्या होता है? एम्फी यानी कि दो, ऑक्सस का मतलब होता है धार। ठीक है, यानी कि आप एक चीज़ तुलना कीजिए कि कोई तलवार है, उसकी दो धारें हैं। ठीक है, तो दो धार वाला इसको नाम दिया। एम्फीऑक्सस का मतलब होता है दो धार वाला। लैंसुलेट्स, लैंसुलेट्स, लैंसुलेट्स का मतलब क्या होता है? भाला। तो भाले जैसी आकृति हमें इसकी दिखाई दे रही है, इसकी दोनों तरफ धार है। ठीक है, इसके बाद 1834 में, इससे पहले 1834 में एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है ओजी कोस्टा। उन्होंने इसको ब्रैंकियोस्टोमा नाम दे चुके थे पहले, यानी कि क्लोम मुख। ठीक है, नाम दिया और इसको कॉर्डेटा के रूप में वर्णन किया। अब दूसरी चीज़, इसको मैंने आपको बताया पहले भी कि इसको दो धारी छुरी या फिर लैंसिलेट भी कहा जाता है। लैंसिलेट इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी जो आकृति है वो भाले जैसी होती है। चलिए अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें आगे। अब देखिए, हम यहाँ पर पॉइंटों की बात करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में कि वर्गीकृत स्थान क्या है, वर्गीकरण में ये किस स्थान पर रखा गया है इसको। फिर हम बात करेंगे इसके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि भौगोलिक वितरण की, कि इसकी जो जातियाँ हैं कितनी जातियाँ हैं और ये पृथ्वी पर पाया जाता है, तो कौन कौन सी जगह पर, स्थानों पर ये पाया जाता है। फिर हम बात करेंगे हैबिट और हैबिटेट की, यानी कि इसके आवास की और इसकी जो सामान्य स्वभाव है, ये किस तरह का जंतु है। फिर हम इसके बाह्य संरचना की बात करेंगे, यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स की हम बात करेंगे। फिर हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। फिर हम इसमें जो छिद्र पाए जाते हैं, अपर्चर, उनकी बात करेंगे। फिर हम इसके फिन्स की बात करेंगे कि इसमें किस तरह के फिन्स पाए जाते हैं। और फिर हम इसमें मायोटोम्स और गोनाड्स की हम इसके अंदर बात करेंगे, यानी कि टोटल 8 पॉइंट के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे आज, ब्रैंकियोस्टोमेटा को या फिर एम्फियोक्सस को। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम पहला पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है, उसका नाम है सिस्टमेटिक पोजीशन। यानी कि हम इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो संघ इसको रखा गया है सबसे पहले कॉर्डेटा के अंदर, क्योंकि हम कॉर्डेटा पढ़ रहे हैं। फिर हम इसके ग्रुप की बात करें तो ये एक क्रेनिएटा ग्रुप के अंदर आता है। ठीक है, एक क्रेनिएटा के अंदर आता है। फिर हम इसके सब फाइलम की बात करते हैं तो सब फाइलम इसका सेफेलोकॉर्डेटा होता है। फिर हम इसके वर्ग की बात करें, यानी क्लास की, तो लेप्टोकॉर्डी इसका वर्ग है। फिर बात करते हैं हम इसकी फैमिली की, यानी कि कुल की, तो ब्रैंकियोस्टोमेडी इसकी फैमिली है। और वंश की बात करते हैं तो ब्रैंकियोस्टोमा इसका वंश है, और इसमें टोटल 9 जातियां लगभग ज्ञात हैं अब तक की। तो ब्रैंकियोस्टोमा या फिर एम्फियोक्सस का क्या है? वंश है। अब हम इसके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, यानी कि इसका जो भौगोलिक वितरण है तो वो किस प्रकार है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है क्लियर कि एम्फियोक्सस की लगभग 9 जातियाँ ज्ञात हैं जो कि सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है? कि जो सभी जगह पर पाई जाती हैं उन्हें हम सर्वव्यापी कहते हैं, और संसार के अनेक समुद्रों में देखी जाती हैं। यह ज़्यादातर जो है वो उष्णतर जल में पाई जाती हैं, यानी कि जहाँ पर जो पानी है वो गर्म होगा नॉर्मली, वहाँ पर यह ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि भारत के अंदर हो गया, भारत का जो समुद्र है, चीन का जो समुद्र है, जापान के समुद्र तट पर ये अधिक संख्या में देखे जाते हैं। और चीन और जापान वाले जो समुद्र तट पर रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ इसको भोजन के रूप में भी काम में लेते हैं। और अब बात करते हैं कि जो हिंद महासागर का जो तट है, वहाँ पर कौन कौन सी जातियाँ पाई जाती हैं। तो वहाँ पर 4 जातियाँ पाई जाती हैं। देखिए, वहाँ पर 4 जातियाँ पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी जातियाँ हैं? पहली है ब्रैंकियोस्टोमा इंडिकस। ठीक है, इस तरह की वहाँ पर 4 जातियाँ पाई जाती हैं, ब्रैंकियोस्टोमा इंडिकम, ब्रैंकियोस्टोमा पेलिजिकम, ब्रैंकियोस्टोमा सेरिवियम और ब्रैंकियोस्टोमा लैंसुलेट्स। ठीक है, ये 4 जातियाँ टोटल हिंद महासागर के तट पर पाई जाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है हैबिट एंड हैबिटेट। अब इसके हैबिट एंड हैबिटेट की हम बात करें तो ये एक समुद्री जंतु है।
ठीक है, हमने पहले ही देख लिया कि ये कैसा जंतु है, ये एक समुद्री जंतु है, एक समुद्री जंतु है। उसके बाद बात करें कि समुद्र के अंदर भी कौन सी स्थान पर ये पाया जाता है, तो ये सामान्यतः छिछले पानी के अंदर पाया जाता है। शैलो वाटर का मतलब होता है छिछला पानी, और सैंडी कॉस्ट यानी कि ये रेतीले किनारों पर पाया जाएगा मोस्टली। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके मैंने पहले बताया कि ये बिल बनाकर रहता है, तो बिल कहाँ पर बनाएगा, ये रेत में बिल बनाकर रहता है। ठीक है, और इसका जो पिछला हिस्सा है वो इसका रेत के अंदर धंसा हुआ रहता है। ठीक है, ऐसे ये बिल बनाकर रहता है, और केवल सिर वाला जो इसका हिस्सा है यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन है सिर्फ यही मिट्टी से बाहर या फिर हम कहें बिल से बाहर चमकता रहता है, जैसा कि हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ये जो हिस्सा है ये सिर्फ मिट्टी से, ये तल है, आप ये समझ लीजिए ये समुद्र का तल है, वहाँ से ये अंदर धंसा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ ऊपर वाला जो मुख वाला जो पोर्शन है वही इसका बाहर हमें दिखाई दे रहा है। अब हम बात करें कि ये दिन के समय तो रेत में घुसा रहता है, लेकिन रात के समय ये बिल से बाहर निकलकर पानी में तैरता रहता है, यानी कि ये रात्रिचर प्राणी है, ये चीज़ भी हमें पता है। अब हम बात करते हैं कि ये भोजन किस प्रकार से लेता है, तो ये एक सीलियरी फीडर जंतु है, यानी कि ये पक्षमाभि पोषक है। इसके मुख पर हम देख रहे हैं ओरल सिराई पाई जा रही है, ठीक है, यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है ओरल सिराई पाई जा रही है, यानी कि मुख पर जो सिराई जो पाई जा रही हैं, इनके थ्रू ये क्या करता है, किसी भी जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं जो कि इसके भोजन, जैसे कि कौन कौन से एनिमल्स हो गए, जैसे कि डायटम्स हो गए, ठीक है, डेसमिड्स हो गए, पैलेजिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो इन सबको क्या करता है ये ओरल सिराई की शुरू या फिर इनके थ्रू क्या करता है, जो जल की धारा के साथ जो आते हैं जितने भी एनिमल्स आते हैं उनको अपने अंदर ले लेता है। ये ओरल सिराई के थ्रू उसको पता लगता है कि कोई भी एनिमल पानी में आ गया है, उसको कैप्चर करना है। ठीक है, अब हम इसके दूसरी बात करें कि भोजन के रूप में जल की धारा के साथ शरीर में प्रवेश करता है, जिसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, डायटम्स आ जाते हैं, डेस्मिड्स आ जाते हैं, पैलेजिक सूक्ष्मजीव वगैरह, वो सारी चीज़ आ जाती हैं। अब हम बात करें कि ये पोषण कहाँ से लेता है, तो मुख से ये पोषण लेता है, और श्वसन भी कहाँ से लेता है, जल से ही ये श्वसन करता है। और एंट्रीपोर इसके अंदर छिद्र पाया जाता है, जब हम एपर्चर पढ़ेंगे अगले उसमें, जब हम उसके एंट्रीपोर की बात करेंगे कि एंट्रीपोर कहाँ आता है। अब हम इसकी बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो इसमें जो नर और मादा जंतु हैं अलग अलग होते हैं, ठीक है, नर अलग होता है, मादा अलग होता है, और इसका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष रूप से डेवलपमेंट होता है, यानी कि लार्वा अवस्था पाई जाएगी। अब लार्वा अवस्था पाई जाएगी तो वो लार्वा कैसा होगा, फ्री स्विमिंग लार्वा होगा, और यानी कि हम कहें मुक्त प्लावी वो लार्वा होगा, और धीरे धीरे वृद्धि करता हुआ वयस्क अवस्था में वो रूपांतरित हो जाएगा। सिर्फ ये चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। अगली हम बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स, यानी कि इसके बाह्य लक्षण क्या क्या हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी आकृति एवं आकार की। सबसे पहले शेप साइज की बात करते हैं, तो एम्पियोक्सिस का जो आकार है एक शकरा मछली के समान जंतु है, मछली के समान है लेकिन मछली है नहीं, जो लगभग इसकी लंबाई कितनी होती है, 5 to 8 centimeters लंबाई होती है। और इसका शरीर कैसा होता है, बिल्कुल सफ़ेद होता है, वाइट होता है, पारभाषी होता है, और जो साइड्स होती हैं इसकी लेटरल साइड्स होती हैं उनसे ये कंप्रेस्ड रहता है, यानी कि संपीड़ित रहता है, और ये जंतु दोनों सिरों से नुकीला होता है, जिससे इसका नाम लैंसलेट रखा गया। लैंसलेट का अर्थ होता है छोटा भाला। ठीक है, हम इसका डायग्राम देखते हैं, देखिए यहाँ पर हम इसका डायग्राम देखते हैं, तो दोनों सिरों से ये नुकीला हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, दोनों सिरों से नुकीला है, पार्श्व जो ये चपटा हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि संपीड़ित हमें ये कंप्रेस्ड दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा क्या होता है इसके अंदर कि 5 to 8 centimeters की लंबाई है, और सफ़ेद है इसका जो, और पारभाषी है। यहाँ पर देखिए हमें जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं कि इसके अंदर क्या है वो भी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब वापस हम वहीं आते हैं। इसके अलावा इसका क्या है कि एम्फियोक्सिस का जो शरीर है धारा रेखित होता है या फिर पतवार के समान कार्य करता है। धारा रेखित का मतलब क्या होता है, जैसी धारा उसकी रेखा के समान होता है, और इसे तैरने और बिल बनाने में मदद मिलती है। और इसका पश्चभाग अग्रभाग की अपेक्षा नुकीला होता है, हमने देखा अभी पहले वाले डायग्राम में कि इसका जो पश्चभाग है वो अग्रभाग की अपेक्षा ज़्यादा नुकीला होता है, क्योंकि अग्रभाग जो है उस पर मुख भी पाया जाता है, लेकिन जो मुख है वो गोल आकार का है, इसलिए वो ज़्यादा नुकीला नहीं हो सकता। अब हम इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो एम्फियोक्सिस में जो है वास्तविक सिर नहीं पाया जाता। ठीक है, इसका शरीर दो भागों में विभाजित होता है, अग्रभाग बड़ा होता है जिसे ट्रंक या फिर धड़ कहते हैं, और पश्चभाग वह छोटा होता है जिसे पुच्छ या फिर टेल कहते हैं। धड़ का जो भाग है वो एक नुकीले प्रोथ कह दीजिए या फिर रोस्ट्रम के रूप में आगे की ओर निकला रहता है। ठीक है, रोस्ट्रम के नीचे एक मुख छिद्र पाया जाता है जिसे ओरल होड कहते हैं। ठीक है, और जो देह के पार्श्व प्रवर्धों से बना होता है, मुख सिराई अथवा स्पर्शक उपस्थित होते हैं। देखिए इसके लिए हमें इस डायग्राम में आना होगा, इस डायग्राम में हमें क्या दिखाई दे रहा है वो समझिए आप। यह डायग्राम में हमें देखिए ओरल सिराई दिखाई दे रही है, इसका जो मुख है वो राउंड राउंड होता है, रोस्ट्रम नुकीला प्रोथ हमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल मुख के ऊपर। ठीक है,
और वेस्टिब्यूल्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, ओरल हुड हमें दिखाई दे रहा है, जो भी चीज़ें वहाँ पर बताई हैं वो सारी चीज़ें हमें इसके अंदर समझ में आ जाएंगी। और वहाँ पर क्या बताया था कि रोस्ट्रम के नीचे एक मुख छिद्र होता है, जिसे क्या कहते हैं, ओरल हुड कहते हैं। मुख छिद्र को क्या कहा गया है, यहाँ पर ओरल हुड मुख छिद्र को कहा गया है। इसके बाद देह के पृष्ठ एवं पार्श्व प्रवर्धों से बना होगा क्या, मुख छिद्र, जो कि ओरल छिद्र होंगे वो किससे बना होंगे, ओरल हुड जो होगा मुख छद्र जिसे कहते हैं, वो पार्श्व एवं पृष्ठ प्रवर्धों से बना होगा। इस पर 20 से अधिक ओरल सिराई या फिर मुख सिरस पाए जाते हैं। ये जो हमें ये जो आकृति ऐसी निकली हुई दिखाई दे रही है, इनको बोला जाता है ओरल सिराई। ये कितने होंगे, या तो 20 हो सकती है इनकी संख्या, या फिर 20 से अधिक हो सकती है। इनको एक और नाम है ओरल सिराई कह लीजिए, या फिर इन्हें हम टेंटिकल्स कह सकते हैं। और मुखछद एक प्याले नुमा रचना है, हम बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कप जैसी लाइक स्ट्रक्चर है ये। और इसमें ओरल कैविटी भी पाई जाती है इसके अंदर, जब हम इसके अंदर चलेंगे तो ये ओरल कैविटी भी इसके अंदर पाई जाएगी, ठीक है। और मुखछद जो फिर, या फिर हम कहें जो ओरल हुड है, उसके पीछे की ओर एक खड़ा पट होता है जिसे बीलम कहते हैं, ठीक है। वीलम, जब हम इसके डाइजेशन सिस्टम की बात करेंगे तब तो वहाँ पर हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे कि वीलम वगैरह क्या होता है। तो अभी हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि इसके जो ऑर्गन्स वगैरह कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमें इसके अपर्चर्स की बात करनी है, यानी कि छिद्र कितने पाए जाते हैं। तो एम्फियोक्सिस का जो धड़ है, ट्रंक वाला जो पोर्शन है, उस पर 3 छिद्र पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 छिद्र, पहला है मुख या फिर माउथ। तो धड़ के जो अग्रभाग है रोस्ट्रम के ठीक नीचे एक छोटा छिद्र होता है, जिसे क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं, मुख कहते हैं, जो किसके थ्रू घिरा हुआ रहता है, ओरल हुड के थ्रू घिरा हुआ रहता है। और मुख के पीछे क्या पाए जाते हैं, वेस्टिब्यूल या फिर हम कहें प्रघाण पाए जाते हैं। दूसरा जो छिद्र है वो होता है परिकोष्ठ छिद्र या फिर एंट्रियोपोर। एंट्रियोपोर क्या होता है, यह एक छोटा छिद्र होता है, ठीक है, गोलाकार छिद्र होता है जो कि वेंट्रल फिन के आगे स्थित होता है, ठीक है। और एट्रियल कैविटी को बाहरी छिद्र, एट्रियल कैविटी बाहरी छिद्र होता है जो कि ग्रसनी के चारों ओर उपस्थित रहता है, एट्रियल गुहा। जब हम इसकी आगे बात करेंगे, जब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तब हम उस लेक्चर में इसको देखेंगे। अगला जो छिद्र होता है वो होता है गुदा। गुदा क्या होता है, ये आहार नाल का अंतिम छिद्र है जो कि कॉडल फिन के नीचे की तरफ स्थित होता है। और गुदा के पीछे पाए जाने वाले शरीर शेष भाग को पुच्छ कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर जो डायग्राम है, ये मुख छद हमें दिखाई दे रहा है, एम्फियोक्सिस का मुख छद कुछ ऐसा होता है। ये वेस्टिब्यूल समझ लीजिए आप, ये वेस्टिब्यूल है। फिर यहाँ पर ये जो निकल रहे हैं, इनको बोला जाएगा ओरल सिराई बोला जाएगा, ठीक है। ये कैविटी हमें दिखाई दे रही है बीच में, किसकी, ओरल हुड की कैविटी। और ये सेंसरी पेरिलेस हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एपर्चर इसके अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं फिन्स एंड फोल्ड्स की, यानी कि पंख कैसे पाए जाएंगे और क्या क्या इसमें बलय पाई जाएंगी, फोल्ड्स कौन कौन से पाए जाएंगे। तो देखिए, एम्फियोक्सिस के शरीर में 3 लंबवत मध्य एवं अयुग्मित पंख या फिर फिन्स पाए जाते हैं। कितने पंख फिन्स पाए जाएंगे, 3 पाए जाएंगे, मध्य होंगे यानी कि बीच में पाए जाएंगे, और अयुग्मित होंगे यानी कि अनपेयर्ड होंगे। जो डोर्सल सर्फेस पर पाया जाएगा, एक कॉडल फिन यानी कि पुच्छीय पंख पाया जाएगा, एक बेंटल या फिर अधरीय पंख हमें दिखाई देगा। कैसे, वो देखिए। सबसे पहले हम चलते हैं डोर्सल फिन रे बॉक्स, ठीक है। उसके बाद हमें ये डोर्सल फिन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अयुग्मित है, हम पहचान नहीं कर सकते कौन सा फिन कहाँ पर है। और ये हमें टेल पोर्शन पर कौन सा फिन दिखाई दे रहा है, कॉडल फिन हमें दिखाई दे रहा है। तो डोर्सल फिन हो गया, टेल फिन, कॉडल फिन हो गया, और ये नीचे हमें क्या दिखाई दे रहा है, अधरीय पोर्शन पर हमें वेंट्रल फिन दिखाई दे रहा है। तो ये 3 फिन या फिर पंख हमें दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल अयुग्मित हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। हम इनको वैसे देख के नहीं बता सकते कि कट समय बीच में दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये जुड़े हुए आपस में नहीं है। और शरीर के पृष्ठ भाग पर जो डोर्सल फिन पाया जाता है, ये जो डोर्सल फिन है, ये देखिए यहाँ पर किसी कंप्लीट उसको पूरा कर रहा है, ठीक है, पूरे उस पोर्शन पर पाया जा रहा है, ये कोई एक पार्ट पर डोर्सल फिन नहीं पाया जा रहा है। और तीसरी चीज, पीछे की ओर जो जो कॉडल फिन पाया जा रहा है, ठीक है, कॉडल फिन जो पाया जा रहा है, तो डोर्सल फिन आगे तो पूरे शरीर पर होगा, और पीछे कहाँ जुड़ा हुआ होगा, वो कॉडल फिन पर वो जुड़ा हुआ हमें दिखाई देगा, यहाँ पर वो कॉडल फिन से जुड़ा हुआ है। और देह के मध्यतर दिशा में एक वेंट्रल फिन पाया जाता है, यहाँ पर देखिए ये पूरा क्या है, ये वेंट्रल फिन है, ठीक है। ये पंखों की हमने बात कर लेते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो पॉइंट है वो है हमारा मायोटोम्स एंड गोनाड्स, यानी कि मायोटोम्स क्या होते हैं। तो देखिए, एम्फियोक्सिस की जो बॉडी है या एम्फियोक्सिस की जो देह है, उसमें पार्श्व सतह पर यानी लेटरल सरफेस पर हमें क्या दिखाई देगा, पेशियों की, पेशीय पट्टियों की एक श्रृंखला हमें दिखाई देगी, जिसे क्या कहेंगे, मायोटोम्स कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि कहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो आप है, आपको जो चमकीली चमकीली वी आड़े वी शेप की जो संरचनाएं हमें दिखाई दे रही हैं, इन्हीं को बोला जाता है मायोटोम्स। ये क्या है, ये पेशीय पट्टियों की एक श्रृंखला है, जिन्हें हम मायोटोम्स कह लें या फिर हम इन्हें मायोमियर्स कह लें। मायोमियर्स की आकृति मैंने आपको बताई, बिल्कुल आड़े बी आकार की होती है, ठीक है।
और प्रत्येक पार्श्व में मायोटोमिक्स होंगे, जैसे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं ये आड़े बी आकार के, सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी होंगे। तो कितनी होगी संख्या, एक साइड की कितनी होगी 62, एक साइड की 62 होगी और दूसरी साइड भी 62 तक वो हो सकती है, लेकिन अलग अलग प्रजाति हैं, अलग अलग संख्या हो सकती है, वेरी करती है संख्या, स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है। और प्रत्येक जो मायोटोम्स हैं उसके चारों ओर संयोजी ऊतक की बनी एक पतली परत होती है, यानी कि ये जो मायोटोम्स हैं इनके ऊपर एक संयोजी ऊतक की बनी हुई एक पतली परत होती है, जिसे बोला जाता है मायोकोमा, जिसे क्या बोला जाता है मायोकोमा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये जो मायोटोम्स हैं इनका काम क्या है, ये काम कैसे करते हैं। तो मायोटोम्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, अनुदैर्ध्य जो रेखित पेशी तंतु होते हैं, ठीक है, जो मैंने बताया आपको रेखित पेशी तंतु होंगे ऐसे, इनके ऊपर मायोटोम्स के ऊपर रेखित पेशी तंतु होंगे। अब ये क्या करेंगे कि ये जो खंड बन गया बीच में उनके क्या होगा, मायोटोम्स संकुचन करेंगे, ठीक है, संकुचन से क्या होगा, जो देह है जो बॉडी है उनकी वो टर्न पैदा करेगी आपस में, ठीक है, वो टर्न लेगी, मान के चलो एम्फियोक्सिस सीधा चल रहा है, ठीक है, इसको लेफ्ट साइड मोड़ना है, ऐसे घूम के आना, तो कैसे आएगा, इनमें संकुचन होगा, तो जैसे ही ये संकुचित होंगे तो ये जो एनिमल है वो इधर मुड़ जाएगा, जैसे ही ये संकुचन उधर की साइड होगा इनके संकुचन, तो ये उधर की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये मोड़ने के लिए, टर्न पैदा करने के लिए काम में आते हैं, और अग्र और पश्चिम दिशा दोनों तरफ ये भली भांति तैर सकता है, किसकी सहायता से, ये मायोटोम्स की सहायता से ही तैर सकता है। तो मायोटोम्स का मेजर वर्क यहाँ पर क्या हो गया, मायोटोम्स का काम यहाँ पर तैरने में, मुड़ने में, इन सारी चीज़ों में इसका काम हो जाता है। तो अब हमें क्या देखना है कि गोनाड्स क्या होते हैं, जो कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें गोनाड्स बोला जाता है, जनद बोला जाता है। तो जनद में क्या होता है, एक एक इनकी श्रृंखला पाई जाती है, सीरीज पाई जाती है, ठीक है, और इसमें संख्या कितनी होगी, 26 जोड़ी पाए जाएंगे एक उसमें। तो अब देखिए हमें यहाँ पर गोनाड्स दिखाई क्या दे रहे हैं, यहाँ पर आपको वाइट वाइट दिखाई दे रहा है, ये सारे क्या हैं, ये सभी के सभी गोनाड्स हैं, ये सारे जनद हैं, ठीक है। कहाँ पर पाए जाएंगे, ये रोस्ट्रम और एट्रियल छिद्र के मध्य, यहाँ पर रोस्ट्रम है, यहाँ से शुरू होंगे और एट्रियल छिद्र के मध्य में इनकी एक सीरीज पाई जाएगी, श्रृंखला पाई जाएगी, जिसकी संख्या कितनी होगी, 26 जोड़ी पाए जाएंगे, यानी कि 26 इधर और 26 उधर, 26 जोड़ी ये पाए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मायोटोम्स और गोनाड्स की हमने संरचना देख ली। अब हम आगे इसका डिटेल में लेक्चर में हम बात करेंगे एक एक इसके तंत्र के बारे में, ठीक है, जैसे कि कंकाल तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया इसका, ठीक है, उत्सर्जी तंत्र हो गया, तो इन सारी चीज़ों की हम आगे एक एक लेक्चर में बात करते चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।